नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी एक तो उससे बात करेंगे कि मेरा बोनस कितना आया रेलवे का, क्योंकि मेरा नवंबर में 1 साल कंप्लीट होगा। मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 2 नवंबर को। और दूसरा, कल काफ़ी अच्छा एक न्यूज़ आया हुआ था कि जो आगामी एग्ज़ाम है रेलवे का, उसका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया। पर उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे झोलझाल लग रहा, बुरा नहीं बोलना चाह रहे हैं, पर उसमें अगर आप देखो तो जो एग्ज़ाम का है ना, ALP का एग्ज़ाम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, CBT 1, मुझे असंभव टाइप का लग रहा है कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक एक महीना चलता है ये सब एग्जाम। खैर, उसी पे पूरा बात करेंगे। पहले बता दें, टेक्नीशियन की तैयारी करने के लिए ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें अभी तक रेलवे के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैथ, रीजनिंग, GK का जो मेन क्वेश्चन आता है TCS के पैटर्न पे, वो दिया गया है। मार्केट में शायद ही कोई ऐसा बुक होगा जिसमें पूरा इस तरीके से दिया गया है, और पूरा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज काफ़ी डिटेल में एनालिसिस भी करके दिया गया है। तो आपका TCS जो आगे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, और साथ ही जो आपका टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जो इंजीनियरिंग बेसिक साइंस है वो सब भी इसमें दिया गया है। तो ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन आपको नज़दीकी शॉप पे मिल जाएगा, जरूर विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं बोनस का। तो जो हाईएस्ट अमाउंट था बोनस का, वो था 17,900 समथिंग रुपया, यानी 18,000 के आसपास कह सकते हैं। वो उनके लिए था जिनका ज्वाइनिंग मार्च 2023 से पहले हुआ था, लेकिन हमारा नवम्बर में हुआ था, नवम्बर 2023 में हुआ था, इसीलिए मेरा जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो 7,380 रुपया के आसपास आया हुआ है। जिनका इसे पहले होगा उनको थोड़ा 150 रुपया बढ़ते बढ़ते गया होगा, लेकिन जिनका मार्च से पहले हुआ होगा उनको पूरा रुपया आया होगा, यानी मुझे जो आया वो 7,300 रुपया आया। खैर, जो भी आया काफ़ी अच्छा लगा, हम भी आए हैं घूमने कलकत्ता, दुर्गा पूजा देखेंगे, मतलब यार कुछ ही पैसा आता है, अच्छा ही लगता है। दूसरा बात जो आया एग्ज़ाम का डेट, टेंटेटिव डेट, तो काफ़ी जब नोटिस देखे ना, कल हम भी ट्रेन में ही थे, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा कि चलो एग्ज़ाम का डेट दे दिया। पर जब देखे ना हम 2 या 3 दिन, तो याद है हमको, क्योंकि सबसे NTPC का अगर आप देखो सबसे कम सीट Level 2 का था, और उसका भी एग्ज़ाम 2 दिन में हुआ था, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, CBT 2, जबकि बहुत कम लोग CBT 2 के लिए क्वालिफाई थे, कम सीट था, 20 गुना था, तो भी कम ही था। इस पर CBT 1 जो ले रहा है वो 4 दिन में निपटा दे रहा है। ALP का भी अगर आप डेट देखो तो वही है, नवंबर के आसपास 4 दिन में, RPF का भी वही है। तो मुझे इसमें झोल लग रहा है, हो सकता है इसको चेंज कर दिया जाए, या फिर हो सकता है TCS अपना डेवलप किया हो कि वो 4 दिन में कंडक्ट कर दे एग्ज़ाम को। पर ये बहुत बड़ा एक, हमको लग रहा है एक, क्या बोलते हैं, चैलेंजिंग है, 4 दिन में असंभव टाइप का काम है, क्योंकि MTS का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, उससे हमेशा 2 से 3 गुना अधिक कैंडिडेट जो होते हैं वो रेलवे में अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट रेलवे का तैयारी करते हैं वो शायद ही SSC बैंकिंग की तरफ जाए, लेकिन जो बैंकिंग SSC प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो रेलवे का फॉर्म जरूर भरता है, क्योंकि रेलवे का सिलेबस कंपेरिजन टू अदर एग्जाम थोड़ा आसान है, तो अधिक टाइम लगता है। और साथ ही जैसे मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ तो मैं SSC का फॉर्म नहीं भरूंगा, बैंक का नहीं भरूंगा, अधिकतर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत अधिक है, करना पड़ता है अधिक, रेलवे में उतना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत अधिक लोग फॉर्म भरते हैं, एग्जाम लेने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा CBT 1, उससे पहले तो यार संभव नहीं है, क्योंकि NTPC का अगर हम देखें ना, CBT 1 का एग्ज़ाम जो था वो 4 से 5 महीना चला हुआ था, तब कंप्लीट हुआ था NTPC का, अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि मैं जब दिया हुआ था जून में दिया हुआ था, एग्ज़ाम शुरू हुआ था नवंबर में, तो काफ़ी लंबा पीरियड चला हुआ था, 6-7 महीना चला हुआ था, फेज 1 फेज 2 याद होगा, ऐसे में आया हुआ था, मेरा फेज 5 में था, तो पता नहीं इस पर ये 4 महीने में कैसे निपटा देगा। खैर, देखते हैं, अगर ये कर दे तो यार बोल समझ रहा हूँ रिकॉर्ड हो जाएगा, तो चलिए अच्छा है, टेंटेटिव डेट दे दिया, कम से कम ये तो लग रहा है कि नवंबर में एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो बस दुर्गा पूजा में बस एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि ये मौका भी कभी कभी आता है, पर होशोहवास में पढ़ाई शुरू कर दीजिए अच्छे से, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के बाद आपको खुद लगे कि ठगा ठगा सा, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा होशोहवास में जो भी डिसीजन ले रहे हैं अच्छे से लीजिएगा और सही से पढ़िएगा। डिसीजन का मैं ये सेंस कर रहा हूँ कि किसी को अगर फॉलो कर रहे हैं पढ़ने के सेंस में, किसी भी बुक को या किसी भी यूट्यूब चैनल को, तो बस ऐसा नहीं कुछ से कुछ पढ़ते हुए जा रहे हैं, जो आपका स्ट्रेटेजी है, एग्जाम में अच्छा नंबर आ रहा है उस हिसाब से पढ़िएगा, ताकि आप सही रिजल्ट ला पाए, ठीक ना, स्कोर कर पाना प्रैक्टिस सेट में, हम 100 में 16, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, जब आप एग्ज़ाम में अधिक स्कोर कर पाओगे उसी से पैसा मिलने वाला है। तो भले ही बाहर आपको लाख कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, उससे कहा जाता है घंटा फर्क नहीं पड़ता, नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमको भी ऐसा हुआ था कि क्लास में अगर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे ना तो आपको सब तारीफ करेगा, आपको उसे मज़ा आएगा, तब आदमी क्या करने लगता है, वही चीज़ पढ़ने लगता है जो कि उसमें हमको अच्छा नंबर ले आएगा और वहाँ तारीफ सुन लेंगे, उसका एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना है, ना कि जहाँ बैच में पढ़ रहे हो या जहाँ भी जो कर रहे हो वहाँ पे काबिल नहीं बनना है, उस फील्ड में काबिल बनना है जहाँ पे आपको नौकरी मिल जाए। तो खैर, अभी तो यार दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई, हमको भी बोनस आया है,
थोड़ा अच्छा लगा है कि पहली बार यार बोनस मिला है तो अच्छा ही लगता है। और देखिए एग्जाम का डेट हो गया, हम भी दो तीन दिन फॉर्म भर देंगे तो बताएंगे कहाँ से भर रहे हैं। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।